मैं दिखाता हूँ दोस्तों पॉडकास्ट जिस दिन रेडी हो जाएगा ब्लॉग में डालने वाला हूँ। तन्मय भट्स पॉडकास्ट पेल दो, जब रेडी हो जाएगा और हम रिवील करेंगे जनता को तब पेल दो। I am guaranteeing this. This is the most high-tech room in budget in entire world. हफ्ते में दो ब्लॉग मिनिमम आने वाले। सुमित कटोरा ब्लॉग। Subscribe, hit that like button, help this guy. सुमित कटोरा ब्लॉग प्लीज। अभिनव और योगेश जी कैमरा लेकर आए। कौन सा कैमरा है भाई ये? S52X। क्या बात है। हमने क्यों चुना ये 2,18,000 रुपए का कैमरा है ये? Why we are paying that much for this camera? What features we have in this? अभी तो 4K पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। In case in future you want to record in 6K, that is given internal. हम 4K रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम 4K पे भी कर सकते हैं। भी कर सकते हैं। हाँ। इसमें इंटरनल फैन दिया हुआ है, तो बेसिकली अगर आप अनलिमिटेड पे रिकॉर्ड करो तो बॉडी हीट अप नहीं होगी और बंद नहीं होगा। सुन रहे हो आप, अनलिमिटेड बोल रही है, अनलिमिटेड। ये कितना अनलिमिटेड मतलब क्या होता है? तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैमरास हैव रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट ऑफ 30 मिनट्स, सो 30 मिनट्स में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। विद दिस कैमरा इट विल कंटिन्यू रिकॉर्ड, देयर इज नो रिकॉर्डिंग लिमिट एज सच। व्हाटएवर मेमोरी कार्ड यू आर हैविंग अंटिल इट गेट्स फुल यू कैन रिकॉर्ड। ये मत बताओ भाई अनलिमिटेड रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? आधी सब पगार पे आएंगे यहाँ पे दो दो घंटा सोच के। चल रही है 8-8 घंटे तक पॉडकास्ट। The name of room is it's in jet black color. So there is no branding will never be visible. हम तो ब्रांड मान को दिखाना है। हम ये सब कर रहे हैं ताकि Lumix सारे स्पॉन्सर करे हमारे पॉडकास्ट, आगे के सारे फ्री में चाहिए अपने को। हाँ करते वो राउंड टेबल वाला सीन करते हैं। कैमरा के चक्कर में घर दूसरा जाना पड़ेगा। कैमरा सबसे एंड में मंगाना चाहिए था भाई। क्यों? कुछ येलो एंड जिंजर। अच्छा हाँ बढ़िया लगता है। पेल लो। सॉर्टेड सॉर्टेड डन। आई लाइक इट, इट्स ग्रेट। अच्छा देखो व्लॉग लंबा लंबा कटाना है इसलिए और टाइम मिला है। मुझे कोई मेरा तो हो गया, मेरा कोई आइडिया नहीं, मुझे नहीं पता इतना खत्म हो जाएगा। यू विल कम एंड मुझे लगा भाई दिखाएंगे चार कारपेट फॉर्मेलिटीज के लिए, देख लो ना कारपेट थोड़ा। नहीं नहीं इसने पॉडकास्ट रूम सेटअप करेगा मेरे को बोला, फिर उसने बोला कि अच्छा इतने पैसे लगेंगे, फिर जब उसने आके बताया कि ये लेना है वो ट्रिपल हो गए भाई। तो टाइम तभी मैंने लिया कि अच्छा सोच के ठीक है, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है चलो, तो उसके बाद क्या सोचना अभी पेल लेते को जो करना है कर लेते। मैंने इनको बोला चार ऑप्शन रखना रेडी, मैंने जो सिलेक्ट किया था वही आपने सिलेक्ट कर लिया। नहीं नहीं बेस्ट, मोटा लग रहा है ये, मोटा वैसे हमें चाहिए भी एकॉस्टिक्स के लिए। अच्छा मोटा चाहिए भी क्या? ठीक है कर लिया मैंने डिस्कशन डन। दिस इज द फाइनल कलर दैट वी आर सिलेक्टिंग। मैं जा रहा हूं ओपनिंग करने। यू जस्ट फिट इन हियर, इतने सारे सुंदर से शैंडेलियर्स के बीच में है ना, प्लेयर और ट्रू ग्लास वाला। एक और लैंप लेंगे, मेरे को लग रहा है एक और लैंप लेना चाहिए उस रूम के लिए। ये एक गोल्ड इज नॉट आवर वाइब। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। शॉपिंग करने में हमेशा मजा आता है जब खुद के पैसे नहीं जाते हैं ना। Somebody is like just buy. क्या खरीदो? चेस बल्की है ये, क्या किसके लिए? ये पॉडकास्ट के लिए है कि चिल के लिए? ये लोग आएंगे सोएंगे यहाँ पे। इट्स टू कम्फी। इट्स टू कम्फी फॉर एनी कॉन्वर्सेशन। आप एक सेगमेंट में जाओगे लोग बोले भाई पिज्जा मंगाओ। इट्स टाइम टू ईट। इट्स वेरी कम्फी। वर्स्ट केस इफ इट्स टू बिग देन वी कैन रिप्लेस देम लेटर। फॉर द टाइम बीइंग काम चलाओ के लिए शुरू करते। ओके इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अभी हम लोग जो कॉफी टेबल ऑर्डर कर रहे हैं ना, सेम जगह से चेयर्स भी ऑर्डर हो जाएंगे। अभी नहीं ऑर्डर करना भैया, तू बस बैचअप खर्चे कराते रहता है यार। मैं कह रहा हूँ कि अगर हो ही रहा है तो हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट वी आर हैविंग नो। पता चला मैं सब सेट कर दूं एंड देन वन डे इज लाइक कि सुमित नए चेयर्स आ रहे हैं तो चेयर्स हम बदलेंगे, पर अभी के लिए नहीं ना, अभी फिलहाल रहने देना। तू चेयर के ऑप्शंस भेजना है। नहीं चेयर्स नहीं, आपकी शक्ल देखते ही पैसे पैसे जाते हैं यार, नहीं देखना। व्हाट आर यू सेइंग? ये आया और बोला अरे भाई पूरा इसका ना 6 लाख रुपए खर्चा हुआ। बोला चल बस बहन साउंड प्रूफ अच्छा सेट हो गया, पहला 3 कैमरा 6.5 लाख रुपया। आई एम लाइक ये क्या है, ये क्या हिसाब करके आया आपने मन के अंदर? आपको लगा था 6 लाख के अंदर कैमरा भी आ जाएगा, डेकोर भी हो जाएगा। आजा आजा यार, पार्क में जाने के लिए सिर्फ 20 रुपए एंट्री है, वहाँ पे कोक 20 रुपए का मिलता है और इसको आइडिया भी नहीं है। ये आदमी कितना डिल्यूजनल है यार, इसको कैमरा का प्राइस नहीं। आपको क्या लगा था हम लोग उस पे गोप्रो पे शूट करने वाले हैं पॉडकास्ट
हाँ, 1 लाख में कैमरा आएगा। पहले बोला था कि आईफोन लगाएगा हम लोग, आईफोन लगाएगा। अगर आईफोन भी लगाएगा 1.5 लाख का आईफोन आता है, आईफोन लगाएगा और उसमें शूट करेगा। हम गए रग लेने के लिए, ठीक है, मुझे लगा ठीक है रग लेंगे हम। दुकान में बुलाया उसको, मैं जा रहा हूँ दुकान, दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड है लग्जरी रग्स। जैसे ये कौन सा लग्जरी, क्या लग्जरी रग्स क्यों ले रहे हैं हम? सादा बेसिक स्टेशन पे रग मिलता है, आप ले नहीं सकते क्या? स्टेशन वाला रग ना हर 3 दिन में आपको वो कराना पड़ेगा। यही होता है, ज्यादा पैसा देगा तो बढ़िया, ज्यादा कुछ ज्यादा पैसा 50,000 में उस लड़की ने पूरा कोटेशन दिया है और वो जो रग हमने लिया है। सब शॉपिंग करने का हम लोग बैठते हैं, क्या मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तो मेरे को पता है क्या ट्रिप चल रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है शॉपिंग करने में। अभी से नवीन इज फाइनेंस कंट्रोलर, नवीन 4 दिन बीमार था तो हमारी प्लीज एक सेकेंड देव भाई, इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को नंबर भेज, मेरे को एक ऑस्टिक ट्रीटमेंट कराना है रूम का। मैंने 4 नंबर भेजा, चारों ने इनको ब्लॉक कर दिया। पहले वाला आया, उसने 10 लाख रुपए का कोट दिया, तो सुन रहा है मैंने कितने में कराया, 2 लाख में, 8 लाख ऐसे ही मैंने रिकवर कर दिया यार आपका। मैंने उस बंदे को मैसेज किया, उसको पता लगा मैंने सुमित के थ्रू मैसेज किया है, तो उसने कोटेशन डाउन कर दिया। आपको मैंने 4 नंबर दिए थे। थोड़ी कुछ करता है सुमित के थ्रू आया तो गारंटी, अननेसेसरी खर्चा करने वाला इंसान होगा यही है ना। चेयर आया अच्छे खासे चेयर, हम बैठे उस चेयर के अंदर, वो चेयर का प्लास्टिक भी निकला नहीं हुआ है, इट्स लाइक कि दूसरे चेयर्स ले ले गया। हमने निकाला प्लास्टिक भी नहीं निकाला उसका। मैं बोल रहा हूँ कि हम जब चेयर को क्या प्रॉब्लम है, चेयर बहुत बल्की है। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला ये, मैं रूम में घुसा एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद द चेयर। आई वाज वेरी हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। चेयर आ गया भाई, नहीं, यू हैड जेन्युइन कंसर्न। चेयर ले लिया, पर मैं रूम में लाइट नहीं लगा हुआ है, इसको चेयर लेना है अभी। ऐसे मैं बोल रहा था काउच, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम मुझे कैसा मिला था। पहले ये रूम कुछ ऐसा दिखता था, इसमें काफ़ी रिबर्ब और एको था और बाहर से कंस्ट्रक्शन की नॉइज़ भी बहुत आती थी। तो इन सबको फिक्स करने के लिए हमने एकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया है इस रूम में, साउंड प्रूफिंग करी है, और मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाता हूँ फिर ये हमने क्या अचीव किया है। दोस्तों फाइनली पॉडकास्ट रूम रेडी है और आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ पॉडकास्ट रूम कैसा दिखता है। कम लेट्स गो। दोस्तों वी आर इन द तन्मय भट्स पॉडकास्ट रूम, गाइस द फर्स्ट रिवील ऑफ द पॉडकास्ट रूम कैसा लग रहा है? लुक व्हाट वी हैव अचीव्ड, अ वेरी फंक्शनल हाई क्वालिटी पॉडकास्ट रूम। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। पहले तो तन्मय भैया ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला यार मुझे पॉडकास्ट रूम बनाना है, सुमित थोड़ा हेल्प करेगा। मैं ठीक है क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला यार मेरा एक रूम है उसको साउंड प्रूफ कराना है। तो मैंने कहा ठीक है नंबर भेजता हूँ। मैंने उनका एक नंबर भेजा, उन्होंने कहा कि यार ये फोन नहीं उठा रहा है, कोई और नंबर है? मैंने कहा ठीक है, दूसरा नंबर भेजा। 2 दिन के बाद कह रहा है यार ये भी फोन नहीं उठा रहा है, कोई और नंबर देखा है तेरे पास? ऐसे करके मैंने 3 नंबर भेजे उनको और तीनों ने तन्मय भैया को घोस्ट कर दिया। पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो यार, सारे फोन नंबर आप ऐसे कर रहे हो कि सब घोस्ट ही कर रहे हैं आपको। देन आई वाज लाइक कि आप चल करो मैं फिगर आउट करता हूँ। एंड देन मैंने कॉन्टेक्ट किया 2-3 लोगों को। फर्स्ट गाय कोटेड 12 लाख रुपीज फॉर द साउंड प्रूफिंग एंड वी आर लाइक कि डूड ये बहुत ज्यादा है, इतना 12 लाख रुपए। फिर मैं आया तन्मय भैया के पास, मैंने पूछा कि आपका बजट क्या है फॉर द पॉडकास्ट रूम। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ही 12 लाख, पूरा सिर्फ साउंड प्रूफिंग के 12 लाख नहीं दे सकता हूँ। देन आई कॉन्टेक्टेड गाय जिससे बात बात करके हमने ये 2 लाख रुपए में कराई है। तो 2 लाख में हमने किया है पहले इसको साउंड प्रूफ। द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इन दिस रूम इज द साउंड प्रूफिंग। और इसके पीछे एक खिड़की है जिसके पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन की आवाज बिल्कुल यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही नाइसली एकॉस्टिकली ट्रीटेड रूम है। सेकंड, इस रूम को हमने थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए चीजें मंगाई हैं। दिस चेयर्स आर लाइक वेरी वेरी कम्फी बट वेरी कम्फी। हाइंडसाइट में मुझे पसंद है ये चेयर्स, मैं देखो कंप्लेन नहीं करना चाहूंगा। कैमरास में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर्स पॉप हो रहे हैं। ए द गाय हु हेल्प्ड अस थ्रू ऑल द फाइनेंशियल्स, दिस गाय आई यूज्ड टू जस्ट टेक्स्ट हिम भाई ये ऑर्डर करना है ऑर्डर कर दो,
एन ऑर्डर हो जाता था. देन वी ऑर्डर्ड सम आइकिया लैंप्स. ये आइकिया के लैंप है. दिस शेल्फ इज फ्रॉम आइकिया. फिर मैंने कुछ पोस्टर्स खरीदे. ये वाला पोस्टर खरीदा. फिर ये पीछे कर्टन लगवाए. एंड दिस लैंप्स पेंडेंट लैंप. बहुत ही इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं. कुछ भी कलर हम जैसा मूड हो जैसा वाइब हो ऐसा बना सकते हैं. सो दीज आर लाइक डेकोर पार्ट. फिर हम ये नाइस लाइट्स लेकर आए. ये फ्रेम में इतना क्लीन दिखता है स्लीक दिखता है. और ये प्लांट्स दीज आर ऑल फेक प्लांट्स. फिर हमने एक थोड़ा सा एस्थेटिक देने के लिए वुड का इस्तेमाल किया है दिस प्लेस. फिर हमने थोड़े पोस्टर्स और खरीदे. दीज आर द पोस्टर्स जो हमने यूज किया है. ये वाला पोस्टर मुझे बहुत सही लगा था. ये मेरा भी फेवरेट है. आई वॉन्टेड दैट. तो ये है डेकोर का पार्ट. अब मैं आपको टेक बताता हूँ. टेक ये है कि ये सनाइजर MK600 माइक्स है जो हमने चार लगाया है. जनरली आप देखते होंगे पॉडकास्ट में लोग के यहाँ पे माइक होता है आधा चेहरा उनका ढका होता है. इतना क्रॉप एडजस्ट करते रहते हैं पूरे टाइम एडजस्ट करते रहते हैं. इधर चल जाए तो आवाज ठीक से नहीं आ रही. इधर से नहीं हो रही है. तो दिस इज द सेटअप दैट वी हैव क्रैक्ड फॉर दिस रूम. बेसिकली दिस आर द माइक्स यूज्ड इन फिल्म एज अ बूम माइक. तो आप दूर से भी रखोगे तो सारा कुछ कैप्चर करता है. क्रिस्टल क्लीन बहुत ही अच्छा ऑडियो है. ये हमने माउंट किया है ऑन अ सेल्फी स्टिक क्योंकि देयर इज नो सच क्लैंप्स. और सेल्फी स्टिक पे हमने यहाँ पे ये यूज किया है. दिस इज कॉल्ड बॉल हेड. छोटे ट्राइपॉड पे यूज करते हो तो आप कैसे भी इसको डायरेक्शनल में मूव कर सकते हो. और ये सारा कुछ जो है वो एक सिंगल पोल पे. दिस इज कॉल्ड ऑटो पोल. क्योंकि सेटअप को हमको क्लीन रखना था और ज्यादा चीज नहीं डाल सकते. तो दीज आर द सॉफ्ट ऑप्स वी हैव सिलेक्टेड. दिस इज ज़ोइन X100. लिटरली ये साइज है लाइट का. लाइक ये जो पतला दिख रहा है ना आपको ये दिस इज अ लाइट. एकदम ही कॉम्पैक्ट और एकदम सॉफ्ट. इसके वजह से चेहरे पे स्किन टोन सॉफ्ट आ रही होगी. अभी आपको दिख रहा होगा. एंड फॉर दिस रूम इससे ज्यादा बड़ा लगा ही नहीं सकते थे. जगह ही नहीं है हमारे पास. ये काफी कूल चीज है. दिस इज अ वेवलिंक अडैप्टर. इट्स बेसिकली हब. सो वी कैन कनेक्ट 4 HDMI डिवाइसेस फ्रॉम दिस. एंड वी कैन ऑल्सो कनेक्ट लाइक इसमें 4 या 6 USB है. तो सारे कैमराज इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं. और फ्यूचर में हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर बाहर जैसे कोई गेस्ट आए. इमेजिन करण जौहर इज हियर. तो उनके टीम आए होंगी उनके PR कुछ भी होंगे. उनको अगर पॉडकास्ट देखना अंदर क्या चल रहा है तो हम यहाँ से एक HDMI केबल लेंगे जो बाहर डाइनिंग रूम में एक TV लगा रहेगा और उसमें सारा कुछ चल रहा होगा लाइव. तो किसी को अंदर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है. सिर्फ गेस्ट बैठ रहे हैं और बाहर से वो पॉडकास्ट देख सकते हैं. क्रेजी टेक अभी कर दिया भाई. यहाँ पे यहाँ देव बैठेगा व्हेनेवर देयर इज अ शूट. सो सिर्फ ये यहाँ बैठ कर इस रूम में हर चीज ये कंट्रोल कर सकता है. जस्ट चेक हाउ ही कैन कंट्रोल द लाइट्स. अभी है वाइट, अभी बन गया येलो, अभी है थोड़ा डार्क, है ना मूडी, अभी हो गया ब्राइट. ये सब कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ. बट दिस सो मच फन यार. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड विद दिस फोन. यहाँ पे लैपटॉप सेटअप भी होता है सो आई कैन रोल द कैमरास आल्सो. एंड हेडफोन्स पहन के ऐसे साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगा. दोस्तों ये हेडफोन फ्री मिले हैं. मैंने नहीं सजेस्ट किया है. तो काम चला ले. आई विल नॉट सजेस्ट. ओह नाइस. Looks good though. ये कंसोल है अपना. यहाँ पे सारी चीजें इंटरनली रिकॉर्ड हो रही है. तो ऑडियो हम जो भी यहाँ पे ऑडियो है वो सारा हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं. वीडियो के लिए हमने ये क्लैंप्स लगाए. ये रहा एक क्लैंप, ये रहा दूसरा क्लैंप. दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस क्लैंप. ये क्लैंप से हम इसको यहाँ पे कैसे भी Like, इसको लगा के छोड़ सकते इधर ही कैमरे को. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैमरा मैं बताता हूँ. ल्यूमिक्स S5 Mark 2X. द गुड पार्ट ऑफ दिस कैमरा इज लाइक कि इट हैज इंटरनल फैन. तो हम इसे लंबे रिकॉर्डिंग के लिए शूट कर सकते हैं. तो अगर पॉडकास्ट 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे भी चल गया तो हम इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें. देर विल बी अ कपलर जिससे हम ये यूज करेंगे फॉर बैटरी. हमें बैटरी यूज करने की जरूरत नहीं है. कपलर और अडेप्टर से यूज करके डायरेक्टली अडेप्टर से ये चलेगा तो करेंट का प्रॉब्लम सॉल्व. आपको ऐसा बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है. एंड आप जितने टाइम उतने टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो. सेकेंडली हमारे पास 512 GB की कार्ड है तो उसमें भी आप नहीं भी तो 5-6 घंटे आराम से शूट कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई वी हैव चोज दिस कैमरा. एंड गुड पार्ट इज लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दीज वायर्स. यहाँ पे वायर्स हैं जिसका पूरा कंट्रोल वहां पे. सो देव वहां पे बैठ के तीनों कैमरास कंट्रोल कर सकता है ऑन द लैपटॉप. तो बेसिकली ये सारा कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज किया है हमने ताकि एक बंदा बैठ के सिर्फ वहां क्लिक करे वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, क्लिक करे ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए. एंड जैसे पॉडकास्ट खत्म हुआ क्लिक करे स्टॉप. इतना इजी करने की हमने कोशिश करी. एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हेल्प्ड अस विद द टेक एंड एवरीथिंग. आई थिंक इट्स अ गुड क्रैक फॉर अ स्मॉल रूम लाइक दिस. अ वेरी गुड कैमरा, गुड माइक,
good lighting, and you have a perfect clean podcast room. One cool thing is we have also got this LC. So हमें जैसा mood चाहिए रहेगा हम ऐसा mood change कर सकते हैं with this lights. देख रहे हो कैसे mood change हो जा रहा है. तो we can change the lighting, the tone, hair light. I'm looking good with this. हमने ये चार खरीदे हैं चार guest के लिए. And according to जो भी हमारी costing थी, ये पूरा room almost 12 lakh में बन गया था. अगर decor हटा दे तो decor लगा के it came down to 15 lakh rupees. So मुझे नहीं लगता इससे सस्ते में आप podcast room बना सकते हो. 2 lakh रुपए के sound insulation costing. कैमराज हैं 6 लाख 6.5 लाख के. लाइट्स हैं हमारे पास कुछ 1 लाख के लाइट्स हैं. LCs हैं ये चार कुछ हैं 50,000 के. एंड देन डेकोर में हमने 1 लाख रुपए खर्च किया है. तो मोटा मोटी आई थिंक दोज आर द मेन कॉस्टिंग. एंड या आई थिंक इट्स नियर 15 लाख. 15 लाख में जो हमने टेक अचीव किया है कि आराम से आदमी बैठ के कहीं भी रिकॉर्ड कर ले, दैट्स इनसेन. एंड आई थिंक आपको भी वीडियोस में पता चलेगा कैसा लग रहा है लुक एंड फील. आई एम हैप्पी दैट वी हैव अचीव्ड दिस. देव वेरी हैप्पी. लेट्स गो. फाइनली डन. सो या गाइस let me know what you think. All right guys, like, share and subscribe the channel. इस तरह के content अगर आपको और देखने हैं तो. And I hope आपको ये podcast tour पसंद आया होगा. And see you in the next vlog.